हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। आज हम बात करेंगे, हम यह कैसे पता करें कि हमारा एक्स पार्टनर हमारी लाइफ में वापस आएगा कि नहीं, वह हमसे शादी करेगा या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल बार बार पूछा गया है, दीदी मेरा पार्टनर मुझसे प्यार तो बहुत करता है, पर जब बात शादी की आती है वह शादी की बात को घुमाने फिराने लगता है। दीदी हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी, पर जब बात शादी करने की आई कभी वह बोलता है उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, कभी वह बोलता है तुमको मुझसे अच्छा लड़का मिल जाएगा, तुम किसी और से शादी कर लो। दीदी मैं उसको खोना नहीं चाहती हूँ, दीदी मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप कुछ भी करके हम दोनों को एक कर दो। दीदी इस बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में प्रॉपर थर्ड आई रीडिंग करने के बाद जब मैं उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करने की एडवाइस देती हूँ तो वह बोलते हैं दीदी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर कर के थक चुकी हूँ, मेरे लिए कोई टेक्निक वर्क नहीं करती है, मेरा कोई काम नहीं होता है। दीदी आपकी सारी बात मानूंगी, पर आप कुछ ऐसा करो दीदी कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। इस केस में आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे संकेत बताऊंगी, तीन ऐसे साइन बताऊंगी जो आपको मिले तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा, ना ही आपसे शादी करेगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि यूनिवर्स जी आपको यह संकेत दिखाते क्यों है। आज का यह वीडियो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पर साथ ही उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वह फ्यूचर में लव मैरिज करना चाहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला संकेत होता है अगर आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फिर से अट्रैक्ट करने के लिए कोई टेक्निक कर रहे हो या पार्टनर को शादी के लिए मनाना चाहते हो और इसके लिए कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करना चाहते हो। आपका दिमाग बोलता है टेक्निक करो, पर जब भी आप टेक्निक करना शुरू करते हो आपका दिल टेक्निक करने में बिल्कुल नहीं लगता, आपका मन टेक्निक करने को बिल्कुल भी नहीं होता, तो यह एक संकेत है कि आप कोई भी टेक्निक कर लो पर आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। पर ऐसा क्यों हुआ और अब आपको आगे करना क्या होगा आगे वीडियो में बता दूंगी। संकेत नंबर दो, साइन नंबर टू, यह भी होता है कि आप एकदम अचानक से खुश रहना शुरू कर देती हो। आपका ब्रेकअप हो चुका है या आपका पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाह रहा है, फिर भी आप अंदर से बहुत खुशी महसूस करते हो, बहुत हैप्पी फील करते हो। संकेत नंबर तीन, साइन नंबर थ्री, बहुत बार यह भी होता है पर कुछ कम लोगों के साथ होता है, एकदम सडनली एकदम अचानक से आपको अपने पार्टनर की कुछ ऐसी बातें मालूम चलनी शुरू हो जाती है जो आपको इतने सालों में पता नहीं चली थी, ना ही उसने आपको बताया था। पर यूनिवर्स जी आपको ऐसे संकेत दिखा क्यों रहे हैं, अब आपको करना क्या होगा थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यूनिवर्स जी जानते हैं अभी तो आप उनको अट्रैक्ट कर लोगे पर वो इंसान ठीक नहीं है, वह आज नहीं तो कल आपको छोड़कर चला ही जाएगा। और एक बार आप दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद ऐसा कुछ हुआ तो आपको बहुत तकलीफ होगी, यूनिवर्स जी नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ हो और इसलिए यूनिवर्स जी संकेत दिखाकर आपको सावधान कर रहे हैं। और अब भी अगर आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हो तो यह सिर्फ थर्ड आई प्रेयर से पॉसिबल है। थर्ड आई प्रेयर ब्रह्मांड की वह शक्ति है जो भाग्य का लिखा हुआ भी बदल देती है, इसको करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसके जानकार भी बहुत कम ही लोग हैं, इसको आप खुद कर सकते हो या किसी से करवा भी सकते हो। और अगर आप यह चाहते हो कि यह प्रेयर मैं आपके लिए करूं, तो अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।